नगर निगम चुनाव के लिए पहले चरण के तहत इंदौर में 6 जुलाई को मतदान होना है। इससे पहले सभी मतदान केंद्र को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। बुधवार को निगम आयुक्त ने इंदौर शहर में बनाए गए अधिकतर मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 50 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। निगम चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यालय ने इंदौर शहर में 2,250 मतदान केंद्र बनाए हैं। 7 वर्षों से निगम चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे में कुछ मतदान केंद्रों की स्थिति खराब हुई है। आयोग के निर्देश पर सभी मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं जुटाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। निगम ने इस दिशा में काम भी प्रारंभ कर दिया है। ऐसे में मतदान केंद्र जहाँ रैंप नहीं है वहां पर रैंप बनाए जा रहे हैं, जबकि मतदान दलों के बैठने के लिए कुर्सी व मतदान के लिए टेबल आदि की व्यवस्था भी निगम द्वारा ही की जा रही है। बुधवार को निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने शहर के अलग अलग मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुछ केंद्रों पर कमी मिलने पर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द सुधार करने के निर्देश भी दिए हैं। आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश की संभावना को देखते हुए मतदान केंद्रों पर व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इंदौर शहर में 50 से अधिक आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। अपना जो इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में 1800 से ज़्यादा अपने मतदान केंद्र हैं, जिसमें 900 के आसपास लोकेशंस हैं, यानी एक लोकेशन पे दो या कुछ जगहों पर जैसे हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ 5 मतदान केंद्र हैं। और 6 जुलाई में अपने यहाँ प्रथम चरण में मतदान हो रहा है, तो उसके लिए नगर निगम की टीम ने अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। जितने भी मतदान केंद्र हैं उनमें सभी जोनल अधिकारियों ने जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ को लेकर के, वो हम लोगों ने इंश्योर करी हैं, जिसमें मतदान केंद्रों में आने जाने का रास्ता क्लियर होना चाहिए। यदि ऊँचाई पर हैं तो वहाँ पर्याप्त रैंप होना चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था ठीक हो, मतदाताओं के लिए जो क्यू में खड़े होंगे उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं रहें, क्योंकि इस बार बारिश भी है और जुलाई में 6 जुलाई को अपना मतदान है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि बारिश की अगर कहीं दशाएं बनती हैं तो उसके लिए हमारी ईवीएम एवं मतदान की जो प्रक्रिया है वो भली भांति चलती रहे, तो उसकी भी टीम ने तैयारी की है। साफ़ सफाई, पेयजल की व्यवस्था और लाइट की पर्याप्त व्यवस्था भी इस दौरान मतदान केंद्रों पर रहेंगी। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए और सभी लोग अपना जो 6 जुलाई का दिन है जिस दिन उनको वोट करना है, सभी लोग घरों से निकल कर अपना मतदान करें, मत का उपयोग करें, इसके लिए हम लोगों ने लगभग 50 जगहों पर 10 से 50 जगह ऐसी चिन्हित की है जहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र बनाने की तैयारी टीम कर रही है। और इन आदर्श मतदान केंद्र बनेंगे वो आकर्षण के केंद्र होंगे, उनको सजाया जाएगा, उनको इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जो इलेक्शन है वो फेस्टिविटी की तरह लग रहे हैं। वहाँ की सुविधाएं भी अन्य मतदान केंद्रों की सुविधाओं से और अपग्रेडेड रहेंगी, तो इस तरीके की कुल तैयारी हम लोगों ने मतदान के लिए। निगम चुनाव के लिए उम्मीदवार तय होने के पहले निर्वाचन कार्यालय ने करीब 450 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए थे। अब उम्मीदवार तय होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।